देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। जनपद मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर घाघरा नदी के तलहटी में स्थित मधुबन तहसील के अधिवक्ता उपनिबंधक कार्यालय तहसील में ही स्थापित कराए जाने की मांग को लेकर महीनों से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन एसडीएम निरंकार सिंह ने अजेल रवैया के मामला बिगड़ती गया संबंध में अधिवक्ताओं ने आर पार का ऐलान करते हुए 10 दिसम्बर को आमरण अनशन का ऐलान किया। मीडिया से खबर मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। सोमवार को पूरे दिन अपर जिलाधिकारी देवीपाल से अधिवक्ता को वार्ता चला। शाम को 4 बजे अपर जिलाधिकारी आश्वासन के बाद अधिवक्ता ने धरना तथा अनशन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। संबंध में अधिवक्ता सत्यराम यादव का कहना है कि वार्ता सफल रही, लेकिन अपर जिलाधिकारी द्वारा जो बातें कही गई वो कार्य रूप से जब तक नहीं आ जाता तब तक कार्य बहिष्कार अदालत का जारी रहेगा। सर, ये एडवोकेटों का क्या मैटर था यहाँ पे तहसील मुख्यालय पे? एडवोकेटों का एक इशू था कि हमको जो है रजिस्ट्री ऑफिस पुरानी हो चुकी है और उसके बदले में एक कमरा तहसील में दे दिया जाए, तो हम लोगों ने एक आर के का कमरा था उसको दे दिया। सर, ये आज के बाद इस बिंदु पे अधिवक्ता का धरने पे बैठेंगे कि नहीं? नहीं, अब उनकी हड़ताल समाप्त हो गई। पीएम महोदय के बातों से हम लोग संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, लेकिन जब तक उसका क्रियान्वयन नहीं हो जा रहा है हम लोग अपने कार्यक्रम को अपनी रणनीति मीटिंग करके तय करेंगे। वही अधिवक्ता संजय यादव का कहना है कि एसडीएम अड़ियल रवैया छोड़ दे, हम काम पर वापस आ जाएंगे, यदि नहीं सुधरे तो आंदोलन फिर शुरू कर दिया जाएगा। एसडीएम देवीपाल का कहना है कि रजिस्ट्री दफ्तर तहसील परिसर में ही रहेगा और उसे नहीं हटाया जाएगा। एसडीएम के आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने चलाया जा रहा है आंदोलन, वापस हो गया है। मऊ से संवाददाता जगदीश सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ।